बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी स्टूडियो चैनल के माध्यम से, जिला टीकमगढ़ के माध्यम से आज हम बुंदेलखंड की प्रसिद्ध धरोहर से हम रूबरू कराते हैं। हमारे सब साथी लोग खड़े हुए हैं, दिखाइए कैमरामैन से हम कहते हैं, और इधर का नजारा दिखाइए इस साइड से, ऐसे चले आइए घुमा एक दिखाइए, खेल मैदान, एक खेल मैदान वाला परिसर है, और ऐसे देखते हुए ये छतरपुर हाईवे रोड है, ये हमारी पब्लिक है, और इधर का ये नजारा आइए कैमरामैन जी, ये ढेर सारा पार्क है हमारी बुंदेलखंड की जनता को, पार्क दिखाइए। महाराणा प्रताप छत्रसाल की जयंती के उपलक्ष्य में जिसका अनावरण किया था हमारे मोहन भागवत जी ने, आइए इधर आइए कैमरामैन को, आइए आप लोग आइए आइए देखिए इधर, इनको आगे हो जाएंगे वापिस से आप लोग, देखो ये सुंदर नजारा पहाड़िया का सुंदर नजारा है, और पीछे तो पूरी पब्लिक आई साइड से साफ आ रही है। चलो तो ये देखिए पहाड़िया का नजारा भी है खूबसूरत, ये हमारे सब साथी लोग हम लोग घूमने आए हैं, और पीछे चलिए आप पीछे पहुंच जाइए, और पीछे पहुंच जाइए सारे लोग, आ जाए देखिए, अब यहाँ से आइए झुक के पूरी फोटो लीजिए, आगे से ले लीजिएगा आगे से, ये इसे दिखाइए, इनका चबूतरा बना हुआ है, ये चबूतरा है, और आगे बढ़ाइए, लिख रहा है ना, हाँ चलो चलो। तो बुंदेलखंड के इस महान धरोहर को सदियों तक लोगों को याद रहेगी, और सदियों तक इसका गुणगान होगा, और आदमी को इनसे एक प्रेरणा मिलेगी। आप नीचे पहुंच जाइए, हम लोग आ जाएंगे, आ जाइए, हाँ उस वाले मैदान पर पहुंच जाइए, हमारी बुंदेलखंड की जनता इसको देखे और लाइक करे शेयर करे, आराम से जाना, और जाइए पीछे नीचे बिल्कुल पैदान में पहुंच जाइए, पूरी फोटो दिख रही है, हाँ एक मिनट, हाँ दिख रही है। तो बुंदेलखंड की प्रसिद्ध जनता और जवाहर भगवान को मैं दर्शन कराना चाहता हूँ, तो अब हम इस बीच आप लोगों से विदा ले रहे हैं, तो टाटा बाय बाय करिए सब लोग, बहुत बहुत धन्यवाद, जय भारत माता, जय बुंदेलखंड, जय महाराजा छत्रसाल, अमर रहे महाराजा छत्रसाल, अमर रहे।